FMD का, वो नहीं, ET+TT का? कुछ नहीं, कोई टीका नहीं, वही एक बार अगर सर बीमारी आ गई, अगर हो गई आपके दो चार बकरी मर गई तो क्या कीजिएगा? नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों अभी हम लोग राजा तालाब बनारस उत्तर प्रदेश में हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं फार्मिंग का बहुत ही शानदार नमूना है। इसमें बकरी पालन किया गया है, मुर्गी पालन भी किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। साथ में बहुत सारे तरीके का मतलब फल फूल वगैरह भी लगाए हुए हैं, और देख सकते हैं सब्जियों की खेती भी किए हुए हैं। उधर बैंगन लगाए हुए हैं, मिर्ची लगाए हुए हैं, पपीता लगाए हुए हैं। इधर में देख सकते हैं कुछ आदि भी लगाया हुआ है, अमरूद का पेड़ भी लगाया गया है। उधर में देख सकते हैं ईख लगाया गया है। इधर में कुछ फूल वगैरह भी देख सकते हैं, गेंदा का फूल है, इधर चमेली वगैरह है, बहुत सारा फूल वगैरह भी लगाए हुए हैं। इधर देख सकते हैं लत्ती पे परवल भी लटक रहा है, मतलब हर एक चीज का प्रबंध किए हुए हैं। खाने पीने का टोटल व्यवस्था खुद से किए हुए हैं। इधर देख सकते हैं मक्का भी है, और भी बहुत सारा चीज़ है। इधर देख सकते हैं कोई फूल है या फिर क्या है, सभी की जानकारी लेंगे। देख सकते हैं विकास बकरी फार्म के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ के जो किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। उनसे नमस्कार सर। नमस्कार। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। हाँ, हमारा नाम लालमोहन प्रसाद है, मैं मेहंदीगंज मड़ई वाराणसी का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, ये फार्म आप कितने समय पहले शुरू किए हैं? ये फार्म हमने एक साल पहले शुरू किया। एक साल पहले, चलिए सर थोड़ा आपका फार्म देखेंगे। देख लीजिए सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काफी लंबा चौड़ा आपका शेड है, सीधे लंबा बना हुआ है। हाँ, तो इसके अंदर में जैसा कि हमको पता चला है मुर्गी भी रखे हुए हैं क्या? हाँ हाँ, मुर्गी हैं। मुर्गी कितनी मुर्गियां हैं? देसी मुर्गियां हैं 50-40। अच्छा, ये मक्का का खेती किए हुए थे क्या? हाँ हाँ, इसी में था कि बगल में सामने है ना। अच्छा, इसके बगल में। अच्छा अच्छा, मक्का तो काफी अच्छा है आपका। इधर देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से सभी मक्का को लटका के रखे हुए हैं, मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं आप? खेती बाड़ी, लहसुन वगैरह भी उधर रखे हुए हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा, अपने खाने पीने के लिए हर व्यवस्था। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर में फार्म मतलब रहने उने के लिए बनाए हैं? हम इसमें रहते हैं। काफी ठंडा इसका मौसम रहता होगा क्योंकि मड़ई वाला जो होता है। अच्छा, ये जाली क्यों लगा दिए हैं इसके ऊपर से? ये मुर्गे उछल के जो है जाए ना उड़। अच्छा, मुर्गा उधर से उछल के आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका सबसे पहले बताइए सर कि वहाँ से वहाँ तक लंबाई चौड़ाई कितना है आपका सेट का? और वहाँ से वहाँ तक गेट तक पूरा 150 फीट लंबा है। 150 फीट लंबा है और चौड़ाई 34 फीट। 34 फीट चौड़ा है मात्र इतने थोड़े से जमीन में ही, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बड़ा मतलब एकड़ दो एकड़ का फार्म नहीं है, छोटे से जमीन में देख सकते हैं किस तरह से मैनेज किए हैं। बहुत शानदार तरीके से खेती भी किए हुए हैं, नीम वगैरह का भी पौधा लगाए हुए हैं, और बहुत सारा पपीता वगैरह देख सकते हैं इसमें भी पपीता वगैरह लगाए हुए हैं। ये तो खत्म हो गया है, पिछले साल और था। अच्छा और था। अच्छा सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो क्या रखे हुए हैं आप? ये खाद बनाने के लिए। खाद बनाने के लिए ये देसी खाद। अच्छा, मतलब आप खेती करते हैं तो उसका व्यवस्था ही बकरियों से निकाल लेते हैं क्या? अच्छा, गोबर से तो हम सुने थे, बकरी के लेड़ी से खाद कैसे बनता है सो बताइए। लेड़ी देखिए जो खाना इनको देते हैं घास फूस वो बचता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें डाल के पूरा डीकम्पोजर हम छिड़क देते हैं। अच्छा, वेस्ट डीकम्पोजर जो आता है सो। अच्छा अच्छा, उसमें अब ये अपना पूरा सड़ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, खाद बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इससे जितना आपका खेती अच्छा अच्छा शानदार शानदार मक्का दिख रहा है वो सब इसी से हुआ है क्या? ये वाला तो सब इसी से करेंगे ना सब। और आपका बाकी सारा खेती भी जबरदस्त है, वो सब देख रहे हैं काफी अच्छा प्रोडक्शन में है। अच्छा अच्छा, इसका इसी का कमाल है। लेड़ी तो भाई प्राकृतिक खेती तो सब दिन से। अच्छा अच्छा, आज से नहीं बहुत पहले से जो है कि लोग अच्छा मानते थे उसको। अच्छा अच्छा, सरकार भी हमारी उसी पर ध्यान दे रही है। अच्छा अच्छा, प्राकृतिक खेती किया जाए। अच्छा अच्छा, अभी बकरियां सर आपके पास कितनी है टोटल? ये 15-14 हैं। अच्छा, बकरियों को ये भी खिलाते हैं जिसको साइलेज बोला जाता है, मक्की का जो? हाँ, अभी जो उपलब्ध होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, टोटल भूसा भी रखे हैं वो। टोटल 14 बताए हैं सर? हाँ, इस समय 14 हैं। 14 हैं, और पहले बच्चे मर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 15-16 थे। अच्छा अच्छा, तो सर एक साल पहले आप बकरी पालन शुरू किए थे, तो कितनी बकरियों से आप शुरू किए थे? बकरियां से मैं वही जो है कि दो पहले लाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, खरीद के दो खरीद के लाए थे। कौन से नस्ल के लाए थे? वही देसी थी। देसी थी, ब्लैक बंगाल क्षेत्रीय। हाँ, क्षेत्रीय बकरी। तो दो खरीद के लाए, तो उसका एक सिरोही भी लाया हूं। अच्छा, एक सिरोही भी खरीद के लाए हैं। बकरा वो है, ब्रीडर है? नहीं नहीं, वो बकरी ही है। अच्छा अच्छा, तो ब्रीडर के तौर पे बकरा किसको रखे हुए हैं? ब्लैक बंगाल तौर पर अभी इसमें से हम बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बकरा ये है। अच्छा अच्छा, ये कामयाब नहीं होगा शायद, हमको लगता है कि एक साल भर से ऊपर हो गया इसको। अच्छा, मतलब ब्रीडिंग नहीं कर पा रहा है? नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जो पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा, एक बकरा ये है। अच्छा अच्छा, और ये के है। अच्छा अच्छा, इसी दोनों में से मैं छांट के जो है बनाऊंगा। अच्छा, दोनों को तैयार कर रहे हैं, जो बढ़िया हो, जो बढ़िया हो जाए, हम इसी को जो है। अच्छा अच्छा, ज्यादा उम्मीद उसी पर है। हाँ, हाँ, कि वही बन पाएगा। हाँ, उम्मीद उसी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सर जैसा कि अभी अथी बकरी है, ज्यादातर देसी है? देसी ही है आपके पास? देसी। सिरोही कितनी बकरी है आपके पास? सिरोही वही एक लाया हूँ, खरीद तो वही है अभी। अच्छा, वही एक सिरोही है? अच्छा, नहीं दी है। अच्छा, वो कितने महीने की है? वो सर जब लाया था तो मैं 4 महीने का, वो बोला था कि 4 महीने का है। अच्छा अच्छा, पिछले बकरीद को मैं लाया था। पिछले बकरीद को लाए थे, तो उस समय कितना छोटा था रहा होगा? हाँ। तो अभी वजन वजन बढ़ा है उसका? वजन तो बढ़ा है उसका। कितना बढ़ा है?
अरे जब लाया था तो मैं उसमें करीब 16 किलो का था। अभी कितना होगा लगभग? अभी वो करीब 25 किलो का। 25 केजी का होगा। अच्छा, राजस्थानी जो बकरी होती है सिरोही वगैरह, वो मतलब सक्सेसफुल है यहाँ, मतलब बीमारी वगैरह नहीं ना है? इसी को देखने लेते हम उसको लाए हैं टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट में आप क्या पाए? मतलब हमारे यहाँ तो ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। अच्छा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा अच्छा, जब से लाए तब से बीमार वगैरह नहीं पड़ी है? वजन भी ठीक ठाक बढ़ रहा है? वजन ठीक ठाक बढ़ रहा है। ब्लैक बंगाल से उसका ज्यादा वजन बढ़ रहा है कि मतलब इतना ही बढ़ रहा है? हमको तो अभी लग रहा है कि हमारा उतना ही बढ़ रहा है ब्लैक बंगाल के हिसाब से ही बढ़ रहा है। और जगह हम देखे हैं जैसे कि और लोग रखे हैं जी, जैसे कि वो फार्म नहीं खोले हैं, दो चार बकरिया ऐसे रखे हैं उनके घर पे, हम देखते हैं ऐसे बाजार के लगभग में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके यहाँ जो है ज्यादा विकास की है। अच्छा, यही वैरायटी आपके यहाँ कम? मतलब कम विकास। कारण क्या रहा, आप समझने का प्रयास किए? तो हम समझते हैं कि हमारे खिलाने पिलाने या खान पान में कोई दिक्कत होगी, जैसे हम घास वगैरह खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, आस पास देखिए हमारा बिल्कुल, आप तो एकदम खेत वगैरह से घास वगैरह, हरा घास वगैरह हरा मिल जाता है, और हम ये चराते नहीं है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, घास काट के लाते हैं। दिक्कत तो यह है कि चरा नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर हम समझते हैं जैसे जी, कि अगर बकरियों को चराया जाए जी और बांध के खिलाया जाए, बिल्कुल तो चराने वाली बकरियां जो है ज्यादा बेटर, ज्यादा विकास करती हैं, ज्यादा विकास करती हैं। अच्छा अच्छा, वो देखने में भी अच्छी लगती है, जैसे वो अपने चर के आए, बिल्कुल अपने मन से पूरा चरती हैं, पूरा उनका पेट भी भर जाता है। अच्छा अच्छा, अब जब हम डाल देते हैं एक चारा डाल देंगे, किसी का मन है खाने का, किसी का बिल्कुल, चरने जाएगी तो अपने अपने हिसाब से खाएगी, हिसाब से खाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका असर पड़ जाता है, इसका असर है। अच्छा, असर पड़ जाता है, आप मिला है ये बात को? मिला, हम अपने से ही मिलाए हैं, दूसरे का तो देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बगल में हमारा खेत खाली था जी, तो उसमें हम 10 दिन जो है कि इनको दोनों समय जी सुबह शाम में जी जी छोड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय इनका जो है कि वो देखने लायक सब कुछ बढ़िया था। अच्छा अच्छा, अंदर लाइट थी, इनका पेट भी ज्यादा भरता था जी जी। हाँ, लेकिन हम उससे ज्यादा खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, बांध के जो है कि उतना नहीं हो पा रहा है, उतना नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि अभी बढ़ाने का प्लानिंग भी है कि आपका, तो इसमें काफी सारा लगभग 50-60 बकरी भी आप आराम से रख सकते हैं? आराम से रख सकते हैं, बढ़ाने का प्लानिंग तो है हमारा। तो धीरे धीरे ब्रीडिंग करके बढ़ाइएगा कि खरीदिएगा? और नहीं, हम तो ब्रीडिंग करके ही सोच रहे हैं, ब्रीडिंग करके ही। तो आप सिरोही भी एक लाए हैं, तो अब क्या प्लानिंग है, मतलब देसी पर काम कीजिएगा कि क्रॉस नस्ल पर काम कीजिएगा? नहीं, क्रॉस नस्ल पर सोच रहे हैं। देखिए, ये क्रॉस नस्ल है। अच्छा अच्छा, वो देसी एक है जी, ये क्रॉस नस्ल है। अच्छा, क्रॉस, अच्छा, जिसको बकरा तैयार कर रहे हैं क्रॉस है, किससे क्रॉस, किससे क्रॉस है? ये सिरोही से क्रॉस है, हमारे बगल में है यही। अच्छा, बगल से क्रॉस करवाए हैं? करवाए हैं। अच्छा, बिल्कुल नए फार्मर जो शुरू करते हैं उनको बकरा रखने की महंगा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं, बगल बगल से करवा सकते हैं क्या? हाँ, 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 कहे कि 8-10 बकरियां ही रहता है, कहला खरीद के पैसा वेस्ट करेंगे क्या? बात सही है, सही बात है, क्योंकि 50-100 रुपया में तो बगल से 100 रुपया, ज्यादा 100 रुपया, 100 रुपया में हो जाता है आसानी से। तब चलिए थोड़ा अंदर से भी आपका फार्म वगैरह देखेंगे। कुछ मुर्गा भी रखे हैं क्या आप? हाँ, मुर्गा भी रखे। मुर्गा कितना है? मुर्गा वहीं अभी तो 50-60 था, अभी तो थोड़ा बेचे हैं, उसके बाद कुछ खाए हुए हैं। 50-60 था जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अच्छा सर, आप जो शेड बनाए हैं, मतलब ये जाली वगैरह से काम चल जाता है, मतलब अंदर ज्यादा? हाँ, इसमें नहीं, मुर्गों के लिए तो काम नहीं चलता, देसी मुर्गे हैं इसलिए काम चल जाता है। अगर ब्रॉयलर रखे, हाँ, ब्रॉयलर उसमें स्मेल ज्यादा है उसका, हाँ, तो उसमें नहीं चल पाएगा काम। अच्छा अच्छा, उसमें जाली मारना पड़ेगा, उसको जाली पूरा नीचे से वो जाली मारना। अच्छा अच्छा, तो बकरी तो आप ऐसे ही रखे हुए? बकरी तो ऐसे ही रखते हैं, अच्छा, अपना डाल देते हैं। तो बहुत लोग तो क्या ऊंचा पर चौकी उखी रख देते हैं कि तैयार ऊंचा रहेगा तो पेशाब सब, लेकिन अभी संख्या कम है तो लंबा चौड़ा फार्म है, कोई दिक्कत नहीं है? छोटा फार्म रहता है ज्यादा समस्या आता है, अगर इसी को हम इतने में रखते दिक्कत होती। अच्छा अच्छा, लेकिन जब हमारा यहाँ से वहाँ तक है अपना जी जी, अपना रखते हैं। फार्म का आपका लंबाई चौड़ा इसका कितना है? फार्म का लंबाई 10.5 फुट, 10.5 फुट चौड़ा है, 10.5 फीट चौड़ाई है, ऐसे ऐसे। हाँ, लंबाई लंबाई ये लगभग 85 फुट पूरा है, लगभग 15 फुट अपने रहने के लिए थोड़ा सा। अच्छा हाँ, उधर वाला रूम अलग है, रूम अलग की है। अच्छा अच्छा, 85 फुट इसका लंबाई है। अच्छा, इसको टोटल एक साल पहले ही बनवाए थे आप? हाँ, कितना खर्च गिरा था बनवाने में? पूरा खर्च हमारा जो बाउंड्री कराए हैं, एक बोरिंग भी कराए हैं जी, ठीक, 5.5 लाख लगा है। 5.5 लाख टोटल में लगा है। टोटल अगर सिर्फ फार्म का माना जाए, अगर वो सब छोड़ दिया जाए, तो इसका इसको बनाने में कितना? कम से कम तो 3 लाख लगेगा। कम से कम 3 लाख लग गया, लेकिन आप मजबूत सेट बनवाए हैं, बहुत लोग कच्चा बनवा के काम चलाते हैं, मजबूत बनवाने का कारण क्या रहा? हमारी ये थी कि हम जो है बड़े पैमाने में बकरी फार्म ही करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। इसलिए हमने सोचा एक बार बनवा लिया जाए तो जो है कभी हमें बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी बनवाने की। बिल्कुल, अब बहुत ये भी बहुत समस्या होता है, बहुत जगह जैसे चोरी वोरी की घटना भी होती है बकरिया वगैरह, तो ये मजबूत है आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा? हम ऐसे बनवाए भाई, हम फ्रंट में आप रहते हैं, कोई हिम्मत ना हो घुसने का, लोग बीच पीछे रहते हैं, बहुत लोग पीछे बनवा लेते हैं रहने के लिए, उनको दिक्कत हो जाता है।
अच्छा सर एक बात बताइए, बकरी पालन थोड़ा चलिए बाहर तो अंधेरा है, बकरी पालन जैसे आप एक साल से कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा है, बकरी पालन में कमाई किस तरह से है? कमाई तो अभी हम तो कमाई किए नहीं हैं। बिल्कुल है? सर जैसा कि हमको सुनने को मिला है कि बकरी पालन में एक डेढ़ साल तक कमाई होता नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? दो साल ढाई साल तीन साल हम सोचते हैं कमाई नहीं होगी, इसके बारे में आपका भी यही ख्याल है? मतलब एक डेढ़ मतलब दो साल तक नहीं होगी? दो साल तो एकदम नहीं होगी। अच्छा दो साल के बाद धीरे धीरे बकरियां लाएंगे जी तो आप के यहाँ जो है कि वो गाभिन होगी जी। ठीक है, 5 महीने बाद बच्चा देंगे जी। ठीक, फिर वो बकरा तैयार होने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे। अच्छा डेढ़ साल के पहले आप बेच नहीं सकते हैं ना? बिल्कुल 1.5 साल में बेचेंगे तो कितना हो गया आपका 18 महीना प्लस 5 महीना वो 23 महीना जी। ठीक, 23 महीना में के बाद ही आप जो है कि 2 साल लगभग 2 साल हो गया। अच्छा मतलब जो लोग बकरी पालन करे मतलब वो हिम्मत मान के चले कि 2 साल के बाद ही कमाई शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद जब से संख्या बढ़ जाएगा 2 साल में तो आप लगभग 50 पूरा दीजिएगा उम्मीद है आपको? 2 साल में 50 नहीं हो गया, नहीं हो पाएगा, कितना कर दीजिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि देखिए ये बकरी जो है कि जी लगभग 6 महीने ये बच्चा दिए हो गया इसको। अच्छा अभी गाभिन नहीं हुई है। अभी गाभिन नहीं हुई है? अभी गाभिन नहीं हुई। देसी है कि कौन सी? देसी है। कारण क्या रहा इसका गाभिन? अब इसको तो हम बता नहीं सकते। अच्छा क्या कारण है? अच्छा हम भी नए हैं। अच्छा लेकिन आप इसका प्रशिक्षण वगैरह अच्छे से कहीं लिए हैं? अच्छे तरीके से सब वैक्सीन लगाना आपको आता है पूरा? मतलब जानकारी दवा हुआ की जानकारी की अगर गाभी नहीं हो रही है तो कैसे, अगर बच्चा दे रही है उस समय कौन सी दवा खिलानी है, ये सब कम खा रही है? सब जानकारी नहीं है तो यही बकरी फार्म के बारे अच्छा, में जान लिए कि हाँ बकरी पालेंगे जो है के, तो पालने के लिए तो भाई पशु है तो कोई भी पाल। बिल्कुल लेकिन उसके डिटेल जानकारी जो है कि जी। लेकिन सर जैसा कि बहुत सारे अनुभवी किसान से हम लोग बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि 2 साल में मतलब अच्छा खासा इनकम आना शुरू हो जाता है, लेकिन आप अभी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, कहीं से भी ले लें, सरकारी से भी ले होता है, बहुत सारे प्राइवेट भी है, जो अच्छा प्रशिक्षण दे जहाँ से ले, लेकिन प्रशिक्षण जरूर ले लें, क्योंकि अभी जैसा कि हमको पता चला है कि आपका कई बकरी गाभिन नहीं हो पा रही है, ये सब समस्या आ रहा है आपको, तो मेन है कि आपको दवा को तो जानकारी अभी तक है नहीं? दवा तो कोई इसके लिए तो हम कोई दवा नहीं अभी तक नहीं दिए हैं। PPR का वैक्सीन वगैरह दिए हैं? ये तो वही दिनेश के माध्यम से एक बार पिछली बार लगवाए थे। FMD का? वो नहीं। ET+TT का? कुछ नहीं, कोई टीका नहीं, वही एक बार। अगर सर बीमारी आ गई, अगर हो गई आपके 2-4 बकरी मर गई तो क्या कीजिएगा? नहीं तो फिर तो बदनाम हो जाएगा कि बकरी पालन में इनकम ही नहीं है, बेकार है। देखिए सर आपको कहीं से शिक्षा ले लीजिए, कोई आपका मित्र हो जो अच्छा बकरी पालन करते हो उनसे जाके उनके फार्म से शिक्षा लीजिए। वही है जी जिनके यहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा जितेंद्र जी, अच्छा जी, उन्हीं के सहयोग से थोड़ा बहुत अपना जो है। बिल्कुल, वो तो काफी अच्छे तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। वो अच्छे तरह से कर रहे हैं, वो पहले से हमसे पहले से। बिल्कुल तो आप भी मानते हैं बात को कि अनुभव जरूरी है इसमें? अनुभव जरूरी है, क्योंकि आप अनुभव की कमी के कारण मान लीजिए कि कोई बकरी आप गाभिन नहीं हो पा रही है या फिर बहुत समस्या है, तो हो सकता है कुछ तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से वो कर ही नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन कुछ दवा के बल पर आदमी ठीक कर लेता है। ये तो खैर बात हो गई सर बकरी पालन की, लेकिन आप मुर्गा वगैरह सोनाली भी रखे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें वो तो ठीक है, बच्चे वो उसमें जो है कि चारा वगैरह अगर आप देते हैं तो 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा तो उसका अनुभव अच्छा रहा है उसमें? वो तो ठीक है, उसमें इनकम आ जाता है ना? उसमें इनकम आ जाता है 3-4 महीने 5 महीने 5 महीने में हो जाता है। लेकिन बकरी पालन के लिए एक और सुहाना अवसर है, क्योंकि जो मुर्गी होती है सोनाली, बहुत सारे लोग बकरी पालन करते हैं उधर 200-300 रख देते हैं, उससे रेगुलर इनकम आ रहा है तब तक बकरी बढ़ रहा है, 2 साल जब तक इनकम नहीं आएगा तब तक उसे कमाई रहते हैं। जो लोग 500-600 रख देते हैं महीना में ठीक ठाक कमा लेते हैं, अच्छा खासा काम चलाने भर कमा लेते हैं। हम तो कम रखे हैं, फिर जो है देखिए महंगे बिकते हैं ना। अच्छा जो ब्रॉयलर होते हैं उनसे महंगे बिकते हैं जी क्योंकि बकरी पालन में स्टेबल होने में 2 साल लगे, या 2 साल बाद तो आप कमाइएगा वो सही बात है, लेकिन 2 साल तब तक चलाने के लिए मुर्गी पालन वगैरह कर ले, आप संख्या बढ़ा भी सकते हैं, आप सर का आपका फार्म बहुत काफी बड़ा है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है मुर्गी को बढ़ाने के? नहीं मुर्गी तो बढ़ाएंगे नहीं अभी। अच्छा अभी नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे नहीं, हम बकरी फार्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा इसी पर फोकस है, बकरी जो है उस, लेकिन उसे इनकम आ रहा है इससे नहीं आ रहा तैयो क्या फोकस कर रहे हैं जी? नहीं तो जब देंगे ये 2 साल के बाद तभी अच्छा इनकम देंगे। ओ अच्छा मतलब मालूम है आपको कि लंबा खेलेंगे, सोच दूर का रखे हैं। चलिए सर आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा दोस्तों, इनके मित्र से भी हमने बातचीत की है, वो भी काफी अच्छी तरीके से बकरी फार्म कर रहे हैं, तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो बकरी पालन संबंधित और सारी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।